वन टू थ्री खींच खींच आगे मत लियो थ्री टू वन गियर में तो नहीं है नहीं है अभी रुक अपन ढकेल रहे ब्रेक क्यों दबा ब्रेक मत दबा निकल गई कंटेंट मिल चल भाई सो गाइज वी आर एट नाउ समवेयर बिटवीन पैंगोंग लेक अभी काफ़ी दूर है अबाउट टू 180 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर और ये भाई यहाँ पे पूरा वाट लग गया हमारा रास्ता देख रहे हो बाइक मेरा तो ऑफ रोड टायर है फिर भी पूरा फिसक रहा है यहाँ से वहाँ पे संजय का बाइक देख लो पीछे से कैसा उठ रहा है लेफ्ट राइट और हमारे लेफ्ट साइड में ये एक रिवर जा रही है जिसका पानी एकदम गंदा सा है गंदा सा मतलब थोड़ा सा अलग लेवल का पानी है कलर में थोड़ा सा अलग लग रहा है ब्लू नहीं है जैसे मिट्टी का पानी आता है ना वैसे वाला खींचो भाई कितने हमने ब्रिजेस क्रॉस कर लिए कि ओ हो नज़ारा चेक करो भाई और सामने का माउंटेन हाँ भाई ऐसे लग रहा हो कि वो चढ़ भाई ऐसा अभी गिर ही जाएगा लग रहा है अभी सर के ऊपर हाँ ना भाई ये इल्यूजन हो रहा है भाई सच में इल्यूजन हो रहा है भाई पता नहीं हम कौन सी घाटी में आ गए अभी और एक घाटी हमें स्टार्ट हुई है चलने के लिए जगह पे है ये जगह पे कर्व टर्न्स है यार बीआरओ को मानना पड़ेगा भाई क्या क्या कहाँ कहाँ जाके रोड बनाया हुआ है और हमारे सामने है वैन ओहो भाई रात को कोई आ गया ना तो सीधा नीचे जाएगा भाई यहाँ से ओहो हो भाई साहब ये तो एकदम गजब है भाई नेक्स्ट लेवल शिट तो कुछ बाइकर्स भी चल रहे हैं हमारे साथ सामने आप देख सकते हो सही है भाई तो आज भाई संजू बाबा नहीं है तो बस हमारा चल रहा है दोनों का कम्युनिकेशन संजू बाबा देख लो वैसे भी दो दिन के बाद आके देखने वाले हो अभी देख लो यहाँ पे कुछ बाइकर्स ऑर्गेनाइजर्स मतलब कुछ ऑर्गेनाइजर ने बाइक दिया था लोगों को लेकिन गिर गया बेचारा बाइकर आई बिलीव कि उसको लगा नहीं होगा तो लेट देम अरे क्यों जा रहा है भाई ये आगे रुक जाना तो उनको क्लियर होने दो पहले उसके बाद में फिर आगे का जो भी है वो जैसा भी है जो भी है चल भाई तू तो निकाल राइट लेफ्ट राइट से हिमालयन गिर गया नया बाइक था बम्पर की वजह से बच गया लगा नहीं अच्छा ये वही दो बंदा है जो सनी को अच्छा लगा था आराम से चल भाई आज जरा आज बाइक हीट हो रहा है थोड़ा सा सनी आगे निकल अपन तेरे को पीछे से दिखेगा चल जा जल्दी जा जल्दी जा
आज थोड़ी गर्मी हो रही है भाई, अपन थोड़ी देर में ब्रेक लेके जैकेट निकाल देगा। दिल्ली में गाड़ी चला रहा हूँ। हाँ सेम, बीच बीच में काफ़ी ऑफ रोड है यार, पैंगोंग किल पैंगोंग लेक को जाने के टाइम पे। बस सही है। अबे तो चल ना, कुछ होगा तो अपन तेरे को बताएगा ना, आई को टेंशन लेता है, आराम से जा। ये गई मेरी बाइक, ऐसे बैठते हैं, इसके अंदर ही सोते हैं रात को, वो ठंड में। सिविल इंजीनियर है भाई अपना, भगवान शिव शंकर जी बना के दिए सबको। वो जी तो और जाना है हमको, और 150 किलोमीटर, और ये हमारा तीसरा चौथा कितना है भाई, तीसरा ब्रिज है शायद से, तीसरा ब्रिज है, इसको क्रॉस करते हैं आराम से। तो ब्रिज के शुरुआत में ना थोड़ा सा बम्पी रहता है, ये रहा। रुको गए 38। चलो देखते हैं भाई पैंगोंग पहुंच पाते हैं कि नहीं पहुंच पाते। पहुंच तो जाएंगे भाई, थोड़ा लेट तो हो जाएगा बट पहुंच जाएंगे आराम से। पंद्रह से ऊपर मत जा, पूरा फ्यूल का कैंड उड़ जाएगा, ढापड़ कर गया। चल अपना 13 चल रहा है पीछे से। सो गाइज, तो भाई वापस आ गया ऑफ रोड। मैं थोड़ा पीछे सटक के चल रहा हूँ क्योंकि सनी की सेफ्टी ज़रूरी है, उसके पास फ्यूल है और उतना सब होना चाहिए भाई। थैंक्स टू रियाज भाई, एकदम मस्त बना के दिया बाइक अपने को। चढ़ गया भाई, चढ़ गया, अपना भी चढ़ गया। उसको पता नहीं उसके साथ क्या होने वाला है, हरियाली के साथ। ताकि मैं गिरूँ तो तेरे को कंटेंट मिले, लक कमीना। देखना देख कितना हाइट है, जूम कर रहा है ये, इतना ही कर रहा है ना, चली जाएगी बाइक आराम से। बाइक को थोड़ा सा, हाँ भाई रुक जा, आ जा। लेफ्ट रख। छोटी सी क्रॉसिंग, अरे छोटा था भाई, बहुत छोटा क्रॉसिंग था ये साला। इस गहरा क्या साले, पुणे में हमने ऐसे इससे गंदे वाले वाटर क्रॉसिंग निकाले। तो चल एक दिन आ, तेरे को दिखाता हूँ वाटर क्रॉसिंग क्या होता है। हाँ साला, आधी बाइक तो पानी के अंदर होती है हमारी। हेलो, उसने भाई खींच रहा है अपन बाइक और क्या भाई, थोड़ा गाड़ी को भी पानी पिला दिया ना। अपना एबीएस का कोई संबंध नहीं भाई, अपने को नॉन एबीएस गाड़ी मस्त लगती है, फुल कंट्रोल मैनुअल गाड़ी, अपने हाथ में फुल कंट्रोल रहता है इस बाइक का। एबीएस है तो भाई एबीएस के साथ में कंट्रोल भी मांगता है। हाँ नीचे जा रहा नहाने भाई, सीधा गंगा मैया निकल जाएगा तो यहाँ से। सो गाइस चेक दिस आउट, वो साइड की जो एक रिवर है, उस रिवर में थोड़ा सा डिफरेंट कलर का पानी है, ये पूरा ब्लू पानी है। यू गाइस कैन सी कितना ब्लू दिख रहा है। वो साइड का रिवर देखो, उसका पानी का कलर नहीं मिला। हाँ संगम तो लेम है, वो इंडस जो बन जाता है नुब्रा रिवर। और वो कहाँ से आता बाइक लेके? पुणे से महाराष्ट्र। पुणे से कितना दिन का ट्रिप लगता है? पुणे से दिल्ली 2 दिन में पहुंच गया था मैं। दो दिन में? ओके
थैंक यू सर, नाइस टू मीट यू। चलो थैंक यू ड्राइवर भैया, ज़रूरी है भाई। हाँ हाँ, पंप मिलता है थोड़ा यार। अभी ना जो पीछे का बंद किया ना आवाज़, तो आगे का फेयरिंग से आने लग गया आवाज़। हाँ हाँ, अरे ये तो रुक गया ना, अपने से रुक गया, अपने थोड़ी रुका उसको। हाँ वो पॉइंट था ना, थोड़ा देखने लायक था ना, पानी देखा कितना सही था, दो दिन। हाँ हाँ, तो भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई एक छोटा वाटर क्रॉसिंग आया वापस से, वैसे पुणे में इससे भी खतरनाक वाटर क्रॉसिंग किया, लेकिन भाई पानी देख लो कितना सुंदर है, ऐसा लग रहा है पीने का मन कर रहा है पूरा, ऐसा लग रहा है कि फिल्टर वाटर है पूरा, मिनरल से भरा हुआ वाटर है, पहाड़ी में से निकला हुआ। यहाँ पे थोड़ा बाइक संभाल के चलाना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत ही ख़तरनाक वाला ऑफ रोड है ये। पहुँच गया, पत्थरों का साइज़ देख लो भाई, तो हो गए ऑफ रोड ख़त्म। एक्चुअली काफ़ी ऐसे छोटे 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 ऑफ रोड पैचेस लग रहे हैं पैंगोंग जाते वक्त। चलो ठीक है, चाहिए भी ना थोड़ा सा, स्ट्रेट रोड रहता है ना तो बोरिंग सा हो जाता है, ये थोड़ा सही है कि बीच बीच में थोड़ा सा हम लोगों को मिल रहा है। ओ भाई साहब, ये तो नेक्स्ट लेवल ऑफ रोड हो रहा है आज मेरे साथ। बस ऑफ रोड, फिर ऑन रोड, फिर ऑफ रोड, फिर ऑन रोड, यही चल रहा है अभी। आई थिंक ये लंबा वाला पैच है ऑफ रोड का, ये बना हुआ ना, यहाँ से पानी आता है नीचे की तरफ, नदी में जाता है। तो पैंगोंग अगर आप रेन में जाना चाहते हो तो जा सकते हो, वैसे आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि लेकिन आपको वाटर क्रॉसिंग्स बहुत मिलेगा, बहुत ज़्यादा, समझ लो आपको 80% तो आपको वाटर क्रॉसिंग मिलेगा, 80% या 70% वाटर क्रॉसिंग मिल सकता है। सो सम हाउ वी मैनेज टू रीच शोक वैली। सो ये शोक वैली है, आप देख सकते हो थोड़ा बहुत दिखेगा, और बस हमने जैसे तैसे कवर कर लिया, काफ़ी लेट निकले हम लोग, बट ठीक है, हम लोग ठीक ठाक कवर कर रहे हैं, बस हमको रहने के लिए रात को जगह मिल जाए वहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं। चले सनी भाई, चलो भाई, ओके भाई, हमने ना पिरानी का पैसा इतना वसूल कर लिया है भाई क्या जो गप्पे चल रहे हैं हमारे, निकले तब से भाई हम लोग लगे ही पड़े हैं भाई, बातें ख़त्म ही नहीं हो रही है, यहाँ वहाँ की बातें चल रही है, बस मज़े कर रहे हैं, एक अलग ही नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस है। आ गया भाई, दिख क्यों नहीं रहा फिर मुझे तू? हाँ अभी दिखा। तो भाई ऐसा है, कोऑर्डिनेशन से चलना पड़ता है, मिरर में देखना पड़ता है, जैसे कि अभी आपको भी दिख रहा होगा कि भाई आ रहा है पीछे से। भाई यहाँ पे गाय संभालना, ठीक है, ये नहीं मुड़ेगा, ये आपने को मालूम है, ये अपने धुन में चल रहा है भाई, काहे को ये मुड़ेगा। ऊ ला भाई, शोक वैली है ना, आई थिंक ये यहाँ पे निकालते फ़ोटो लोग, तो यहाँ पे आप नाश्ता वास्ता कर सकते हो, बाइकर्स काफ़ी रुके हुए हैं यहाँ पे, तो ये शोक वैली ज़ीरो, और हमको स्ट्रेट ही जाना है भाई, एकदम नीचे उतरना नहीं है, ठीक है ना। एक ख़तरनाक वैली है पैंगोंग, यहाँ से 58 किलोमीटर्स है, और ये देखो भाई साहब वैली यहाँ की, मतलब फट जाएगी भाई, फट जाएगी, मेरी तो फट रही है। चलो एक सीन तो अच्छा है भाई, हमारे पास इंटरकॉम डिवाइस है ना, तो हमारा कम्युनिकेशन बहुत सही चल रहा है दोनों का, तो इधर साला पूरा वाट लगने वाला काम है। तू भी फुल थ्रॉटल दे रखा है क्या भाई? तूने फुल दिया है, हाफ दिया है? तू दे सकता है आई थिंक फुल भाई, चलो इफ यू इंजेक्टेड, अभी मेरे को समझ में आ रहा है। घाटी इतनी ज़बरदस्त है देख लो, और हमारे सनी भाई एकदम धीरे 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 टर्न ले रहे हैं संभाल संभाल के, क्योंकि ये देखो यहाँ पे रास्ते में पत्थर उत्थर पड़े हुए हैं, ऊपर से आए हुए हैं। ओहो भाई साहब, यार मेरी फैमिली आती ना मज़ा आ जाता उनको भी यहाँ पे, लेकिन क्या है ना साला, हम पुणे वाले हैं ना, हमको थोड़ा सा ये देखा देखा सा लगता है। ओ बी द रीज़न समवन स्माइल, यस ऑफ कोर्स वी आर, We are. ओ भाई साहब, ये वैली है,
संभाल के। लेगा लेगा सर, आपका बदला लेगा रे तेरा भाई। ओ भाई साहब, वैली देख लो भाई साहब नीचे। यार यहाँ का अभी तो काम चल रहा है आई थिंक रोड का ना, ये बनाएंगे यहाँ पे कुछ ना कुछ, बीआरओ का चल रहा है यहाँ पे। उस घाटी के बाद हमें एक ज़बरदस्त लोकेशन मिला है। ओहो लेफ्ट साइड में देखो भाई, वाह भाई साहब, भाई निहार तो ले भाई चीज़ों को, ऐसी जाएगा क्या क्रॉस करके। ओके सो गाइज, अभी यहाँ से निकलने का टाइम हो गया, हम ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट, जय बजरंग बली, हम ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट का टाइम लेते हैं, कहीं पर भी रुकते हैं, उसके बाद हम लोग सीधा अपना जर्नी कंटिन्यू करते हैं। ओके सो एट माई राइट साइड एक बहुत ही ब्यूटीफुल रिवर है, उस रिवर का नाम मुझे पता नहीं है बट ठीक है यार, मैं थोड़ा सा अपना जीके बढ़ा लूँगा थोड़ी देर के बाद वहाँ पहुँच के। ओ हो भाई पानी देख लो भाई, नेक्स्ट लेवल क्लीन। तो गाइज दिस इज़ दुर्बुक, यहाँ पे आपको रेस्टोरेंट्स वगैरह मिल जाएगा, रहने के लिए घर भी मिल जाएगा। अगर आप पैंगोंग जाने वाले हो इस रोड से तो आपको यहाँ पे अगर स्टे करने का मन करे तो जनरली आप स्टे कर सकते हो, अगर आपको काफ़ी लेट हो गया तो यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ तो आपका हो ही जाएगा मैनेजमेंट। तो अभी हम लोग निकले हैं यहाँ से, रुक जा गाड़ी आ रही है, रुक जा गाड़ी आ रही है भाई, MG आ रही है भाई, रुक जा। तो हमारे जो फौजी भाई है इनको हमेशा ग्रीटिंग करते रहो, तो ये भी अपने से खुश रहेंगे, सर जय हिंद, सर जय हिंद। देखो ऐसा होता है ना कि आप जितने फौजियों को सलूट करोगे ना, आपको हर फौजी आपको सलूट करेगा, रिप्लाई में मिलना ही है आपको सलूट, बहुत रियर केस में होगा कि नहीं मिलेगा। जय हिंद सर, जय हिंद, जय हिंद सर, जय हिंद, जय हिंद बोलो यार, एक प्राउड फीलिंग आती है जय हिंद बोलने के बाद में ना, अच्छा लगता है। एक छोटा सा वाटर क्रॉसिंग लगा है, मुझे नहीं लगता कि उसमें कुछ करने का भी ज़रूरत पड़ेगा, खड़े खड़े बैठे बैठे निकल जाएंगे आराम से, तो बस यही है, ले 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 से पूरा गाड़ी इन्होंने रेंट किया हुआ है, ले ले ले। तो भाई कुछ इस तरह का आपको नज़ारा मिल जाएगा पैंगोंग जाने से पहले। तो ये राइट हैंड साइड में कैफ़े है, वहाँ पे आप बैठ सकते हो, चिल कर सकते हो, कुछ खा पी सकते हो, जैसे कि भाई लोग बैठे हैं यहाँ पे। सनी कहाँ है भाई, आ रहा है आ रहा है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का, ये जो साइड से जो छोटा छोटा रिवर जा रहा है ये भी बहुत अच्छा लग रहा है देख के, मतलब इतना तकलीफ, मतलब इतना तकलीफ सहन करने के बाद में ये जो सीनरी मिलती है देखने के लिए, इससे थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाता है, रिफ़्रेश हो जाता है, बैक पेन वगैरह जो भी है सब निकल जाता है। तो अभी तो बस भाई सीन ऐसा है कि अपने आप को जो प्रिपेयर किया था 6 से 7 महीने जो भी प्रिपेयर किया था तो उसका फ़ायदा हो रहा है अभी, कि बैक वगैरह ज़्यादा पेन नहीं हो रहा है, टच वुड भगवान की दया से सब सही चल रहा है, बस सही चले, बस पुणे रिटर्न जाने तक भी सही चले। ये एक थोड़ा सा दिन का बहुत ही अच्छा पैच है मेरा कि मुझे इतनी सारी बकरियाँ देखने मिल रही है और वो भी इतनी मस्त, वाह दिन बन गया भाई आज, बाय बाय। बकरी को पकड़ा पकड़ के फोटो निकाला जा रहा है, क्या बात है। ओ ये थोड़ा सा ना ऐसे, मतलब भाई ऐसा लग रहा है ना जम्मू कश्मीर में हूँ मैं, मतलब है तो हम जो JNK में ही अभी, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि एकदम पास आ गए, क्या बोलता है। यहाँ पे क्या माइंड स्टोनिंग वगैरह कुछ हुई थी क्या। तो हम पहुँच गए पैंगोंग लेक में, मतलब पैंगोंग लेक के अंदर नहीं पहुँचे, लेक साइड में है ये, सो ये पूरा पैंगोंग लेक है भाई, लेकिन ये अलग ही दिख रहा है रे सनी, बहुत अलग दिख रहा है भाई, खूबसूरती निहार लो गाइस, पीछे के साइड का व्यू देख लो और यहाँ का व्यू देख लो। तो बस यही है, यही देखने के लिए लोग यहाँ पे आते हैं, क्या यहाँ पे कॉटेजेस यहाँ पे रहेगा, स्काई व्यू कॉटेज, अच्छा है भाई ऊपर नीचे वाला सीन है यहाँ पे, क्या ही भाई नज़ारा है यहाँ पे, क्या ही नज़ारा है भाई साहब, होगा अपना 5 मिनट इधर उधर चला जाएगा है ना, या तू रुक रहा, मैं आऊँ जाके, हाँ हाँ मैं जाके आता हूँ, तू रुकी है यहीं पे रुक, पीछे से गाड़ी आ रही है क्या, उतार दोगे यहीं से बाइक, क्या ही सीन, क्या ही होगा, स्किल टेस्ट हो जाएगी अपनी, आवाज़ आ रही है,
ठीक है, आप उन खाली इधर दो मिनट पूछेगा, उतरने देना भाई, बाइक बाइक का तो ज़्यादा स्किल है भाई, कार से अपन उतारेगा इधर से मस्त एकदम चकाचक उतारेगा। ओह थोड़ा दिक्कत है भाई यहाँ पे, पैर नहीं लगाएगा, देखा कैसे उतरा अपन। भैया यहाँ पे वो थ्री इडियट वाला पॉइंट कहाँ पे? 6 किलोमीटर, वहाँ पे रहने को जगह मिल जाता है? मुश्किल है सर, ऐसे ही रहने में बुकिंग नहीं होगा तो मुश्किल है। बुकिंग तो हमारा है ही नहीं। फिर वहाँ से थोड़ा और आगे चले जाओ 10-12 किलोमीटर। हाँ अच्छा ओके ठीक है ठीक है ओके ओके। तो भाई हमें हमारे महाराष्ट्र से और एक भाई मिल गए हैं। हम लोग यहाँ पे रूम ढूंढने आए थे लेकिन मिल गए, उन्होंने अपने गाड़ी का नंबर देख लिया तो थोड़ा सा आगे आके अप्रोच किया बात करने के लिए। तो ऐसे हम लोग बात कर रहे थे इधर उधर से, ये भी बाइक रेंट करके आए हैं चंडीगढ़ से, चंडीगढ़ मनाली से आए वैसे, तो इनका भी सेम ही प्लान है। नाइस, एंजॉय एंजॉय, राइड सेफ भाई, मिलते हैं, चल बैठू माँ, चलें चलें ठीक है, चैनल है बगुनगे, ठीक है चल सी यू बाय बाय। प्रशांत प्रशांतच आहे का? आई शपथ, व्हेरी नाईस, सगळे असे धडाकेबाज असतात प्रशांत नावाचे लोक। यार अपने सिटी का प्यार है भाई, ऐसे कैसे छोड़ दे भाई, रूम तो मिल जाएगा भाई। इधर सीन ऐसा है भाई, इन लोगों का ना पूरा बुकिंग है बाइकर्स लोगों के साथ में, ठीक है, हाँ दूसरा कोई सीन ही नहीं है यहाँ पे, समझ रहे ना।